नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिस कलाकार को देख रहे हैं वो इस देश के युवा सितार वादकों में एक जाना माना नाम है। देवोजीत गुप्ता दादा हमारे साथ हैं। और दादा मतलब मुझे पता है कि आप जिस समय बात कर रहे हैं उस समय कोलकाता का मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन सबसे पहले तो देवोजीत दा आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दादा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। आज कोलकाता में बहुत ही खराब है मौसम, साइक्लोन चल रहा है बाहर, बहुत ज्यादा खराब, लाइट नहीं है, वाईफाई नहीं है, जो भी हो देखेंगे। कोई बात नहीं दादा, कलाकार तो वैसे भी इन चीजों के मोहताज नहीं होते। और मैंने तो सुना है कि अब तो माइक वाइक तो अब आ गए, पहले तो बहुत ऐसा होता था कि माइक भी नहीं होते थे और आर्टिस्ट अपनी सिर्फ विशुद्ध रूप से अपनी कला से लोगों का मन मोहते थे और कलाकार बैठता था, श्रोता होते थे और सुनते थे घंटों घंटों। खैर चलिए बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर शुरुआत आपके बचपन से ही होगी। परिवार में संगीत की किस तरह की परंपरा थी? मतलब मुझे ये तो पता है कि आपकी माँ ने ही आपको शुरू में गायकी सिखाना शुरू किया, लेकिन क्या फैमिली में और भी कोई म्यूजिक की हिस्ट्री थी? हाँ, फैमिली में एक्चुअली मेरे जो माँ के जो मामा थे ज्ञान दास, वो बॉलीवुड में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने टाइगर जी को पहला म्यूजिक पहले फिल्म में चांस दिए थे। और ये बहुत सारे फिल्म डायरेक्शन किया है उन्होंने हिंदी फिल्म, और उसी से मेरे मम्मी को भी, मेरे जो माता जी थे उनको भी ये शौक था और टैलेंट था, तो भी गाना सीखे है बचपन से। मेरे डैडी जो थे वो भी शांति निकेतन थे, जानते हैं ना शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टेगलोर की जो यूनिवर्सिटी है, वहीं से उन्होंने म्यूजिक में भी किया। तो मेरे फैमिली में बचपन से ही मैंने ये देखा है कि हमेशा गाना बजाना, बड़े बड़े लोग म्यूजिशियन आते थे। बैठक जिसकी बात आप पहले कर रहे थे, पहले माइक्रोफोन, उस टाइम पे ज्यादातर बैठक, तो वैसे बैठक घर में तो एक माहौल था, बचपन से ही मैंने देखा है, तो उसी से मेरा जो हुआ गाना बजाने की तरफ मेरा ये हो गया। तो बचपन में तो पहले मैंने मम्मी से, मेरी माता जी से गाना सीखा, लेकिन बचपन में मुझे काउंसिल की बहुत प्रॉब्लम थी। तो बचपन में मैं बहुत छोटा था जब ऑपरेशन भी हुआ, तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं मेरा बचपन मैं बड़ा हुआ हूँ आसाम में, तो वहाँ पे तो फैसिलिटीज बहुत कम, डॉक्टर इतने अच्छे नहीं, तो जब उस ऑपरेशन में अच्छा होने की जगह बिगड़ गया था। मतलब मेरे गला हमेशा फूटा फूटा रहता है, तो इसीलिए मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचे कि गाने में तो आगे करना, तो तबला भी सीखा, तो मैंने तबला सीखना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि मेरे मम्मी गाते थे हमेशा, स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट थे, हम लोग गाते रहते थे घर, तो मुझे बचपन से था कि मैं गाना, लेकिन मैं समझ गया था कि मुझे भी नहीं होता था, क्योंकि पूरा गाना गाते जाते थे तो क्रैक हो जाता था। तो इसलिए मुझे लगा कि और क्या कर सकते हैं, कि मैं जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ भी हो, तो मेरे मन में जो इच्छा है उसको मैं कर तबला तो चल रहा था। उस टाइम पे मैं अच्छा भी बजाता था, लेकिन मेरे मैं भी सिखाता था तबला, मेरे स्कूल पे संगीत पढ़ाती थी। लेकिन तो बचपन से मैं सुन रहा हूँ, और धीरे धीरे उसमें बहुत अच्छा मन होते गया। मेरे जो पहले गुरु जी थे पंडित रमाकांत सिंह जी, तो मैं उनके पास गया सीखने के लिए, और बहुत प्यार से उन्होंने, बहुत प्यार। ऐसा तो मैंने देखता नहीं आज के दिन में कि एवरी मॉर्निंग मैं उनके घर चला जाता स्कूल जाने और गिटार लेके वहीं पे गाना बजाना होता था। आपके 10 बजे के स्कूल के पहले निकल जाते थे, स्कूल चले जाते। ऐसा मेरा सीखने का स्टार्टिंग में, और घर में तो मम्मी से माता से भी गाइडेंस बहुत ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा। तो दादा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो चलिए समझ में आ गया कि सीखना तो चाहते थे गायकी, लेकिन फिर गले की तकलीफ हुई और गले में देखिए मौसम आपका, अब लाइट भी थोड़ी आपको परेशान कर रही है, लेकिन तो जी, तो जैसा आपने बताया कि फिर उसके बाद जो इलाज था वो भी ठीक नहीं हुआ, फिर तबला सीखना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप सितार पर आए, जहाँ पर गायकी ना सही लेकिन कम से कम गायकी अंग की आपको वो मिलती है, मतलब छूट मिलती है। बावजूद इसके हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से मुझे उनका विलास था, आपकी म्यूजिक बजाना सितार बहुत पसंद, बहुत सुंदर है। तो जो गायकी अंग है ना, ये हमारे इसमें जहाँ में कहा जाता है कि सितार गायकी अंग नहीं बजाता, तो मैं वही ट्राई करता हूँ जो मैं गाने की ट्राई करता हूँ, जो मन में जो भाव है उसके थ्रू मैं एक्सप्रेस करने की चाहता हूँ। बिल्कुल वही, उसी पे मैं सवाल पूछने वाला था आपसे कि लेकिन तबला नहीं बजाएंगे और फिर सितार सीखेंगे, ये फैसला जब आपने लिया होगा तो निश्चित तौर पर परिवार में भी डिस्कस किया होगा आपने, परिवार वालों में खासतौर पर माँ ने चूंकि सिखाया था, वो कैसे हुआ वो बताएं। मेरे माताजी तो चाहते थे कि मैं गाना गाऊं, लेकिन होता है ना कि ऊपर से डिसाइड होता है। तो मन बहुत खराब हो गया था कि मैं गा नहीं पा रहा हूँ। तो सितार जब करना स्टार्ट किए तो बहुत खुश हुए कि चलो गाना ना हो बजाना हो, म्यूजिक वही राग वही जो कुछ है। तो इसमें तो बहुत कुछ हेल्प मिला है, घर से माताजी से मिल गया मुझे। मैं लाखी हूँ बहुत, श्रीमती देना गुप्ता है, उनका देहांत हो गया 2019। तो मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जब बजाता हूँ उसमें वही गाने का जो इफेक्ट हो, मतलब गायकी मतलब यही है कि जब आप सितार सुने तो उसमें लगे कि कोई गा रहा, मतलब गाने का जो इफेक्ट होता है गाना सुनने के, वही इफेक्ट आप सितार में जब सुनते हैं आपको ऐसा लगे कि कोई गाना हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई गाना बजा दिया सितार में तो गायकी हो गया, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि आप वही इफेक्ट लाए जो सुनने में हो, वही नींद के थ्रू, जैसे आपने विलास का सबको आज के दिन में तो सुनने में वही लगता है कि कोई गा रहा हो। दादा वैसे तो ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है और तमाम किताबें इस पर लिखी गई हैं, लेकिन अगर जो घराना है इमदाद खानी घराना, और खासतौर पर जब भी सितार की बात होती है तो बहुत प्रोमिनेंट घराना है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट घराना है बल्कि कहना चाहिए। उसकी कुछ खासियत, कुछ ऐसी चीजें जो जिससे हम भले पहचान ना पाए कि भाई ये इमदाद खानी घराने के कलाकार हैं, लेकिन कुछ अगर आप उसकी खासियत बता पाए जिससे हमारे लिए उस घराने को समझने के रास्ते खुलें। उसके लिए थोड़ा बजाना पड़ेगा, पता नहीं आपको ठीक से सुनाई देगा कि नहीं। देखिए जैसे हम लोग अगर कोई नोट लेते हैं, जैसे कि गाते भी गा लेकिन इसको सिर्फ अगर हम ऐसे करें तो कोई म्यूजिक सुनने को मजा नहीं आता। तो पूरा लगता है कि उसमें कुछ अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पे ऐसा बजाऊं पहले जैसे होता है और ये भी हो सकता है। तो फर्क यही है कि आप उसमें मेन की बहुत यूज किया जाता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि बैठे तो बहुत कुछ लेकिन वो इफेक्ट लगे जी जी आप लगे कि आप हाँ लगे कि कोई कोई गा रहा हो ना कि सिर्फ पर्दे में बज जाए। ठीक है वो भी बजा लेकिन उसमें जो मजा आता है तीन के साथ और उसके साथ कुछ अलग ही होता है इफेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने दादा कि ये बहुत बड़ा विषय है और जब से मैं कलाकारों से इंटरव्यू कर रहा हूं और तमाम सितार वादकों से इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला है सबका यही कहना है कि बहुत विस्तृत विषय है और विषय है भी। दादा एक चीज और बताइए कि जब सॉरी मैं आपको नहीं नहीं प्लीज प्लीज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये गायकियां ना गायकियां ये सब तो बहुत चर्चे होते रहते हैं। मेनली थिंग ये है कि आप किसी को सुने और आपको मजा है सुनने में मजा है आनंद आए। नहीं तो आप कुछ भी कर ले कितना भी आप कर ले कोई मजा ना आए तो कोई मतलब नहीं होती है। 1 घंटा से गाना बजाना चल रहा है कि कुछ मजा ही नहीं आ रहा है इसमें और कोई अगर 2 मिनट 5 मिनट भी कुछ ऐसा करके जाए कि आपको लगे कि इसको बार बार सुन रहा तो बात उसकी अलग होता है। तो ये शायद मुझे लगता है कि वही उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि गायकी कोई गाना भी गाना हो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका सुनने से तो मजा नहीं आता ना। हमेशा गाना तो सभी लोग गाते हैं कोई भी लोग इतना अच्छे होते हैं कि हम लोग उसको बार बार सुनते हैं। तो वही जो बात होती है इंस्ट्रूमेंट में भी करे या गाने में भी करे जो भी आप करे उसको सुनने में अच्छा लगे मजा लगे बहुत आनंद आए उसको सुनने में बस तो बात बन जाती है। नहीं तो कोई मतलब नहीं बाकी कितना भी आप डिस्कस उसके ऊपर करें तो कोई मतलब नहीं। हाँ दादा बोलिए। तो वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में इस बार हम बात कर रहे हैं सितार वादक देवोजीत गुप्ता से। बातचीत का पहला हिस्सा अभी आपने देखा जिसमें हमने उनसे उनके बचपन के बारे में बात की किस तरह उनका संगीत सफर शुरू तो हुआ था गायन से लेकिन फिर तबले पर भी गया और फिर वो आकर रुका सितार पर। इसकी वजह जानी इसकी कहानी सुनी। इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा कल रात ठीक 10 बजे जरूर देखिएगा।